नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24 न्यूज चैनल, आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। देश आज 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर लाल किला के प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन किया और ध्वजारोहण भी किया। आइए ले चलते हैं आपको दिल्ली के लाल किला की ओर। ध्वजारोहण व देश के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बच्चों के बीच पहुंचे, जहां बच्चों का उत्साहवर्धन किया। बच्चों ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया और उनके साथ ऐसे एक एक कर आगे बढ़कर मिलना चाह रहे थे जैसे देश का गौरव उनके सामने है। बच्चों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बच्चों की तरह घुल मिल गए और उनका पुरजोर उत्साहवर्धन किया। देखते रहिए हमारे साथ पल पल की हर खबर स्पॉटलाइट न्यूज चैनल पर, आईना सच का। आप देख पा रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच में पहुंचकर प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। सुरक्षा घेरा भी छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने और बच्चों के बीच में उनकी कतार में बीच में पहुंच गए हैं। ये बच्चे भी एक एक कर आगे बढ़ते हुए उनको छूने का प्रयास कर रहे हैं, उनके नज़दीक जाने का प्रयास कर रहे हैं। और किस तरह से उत्साह है इन बच्चों में, इस देश के भविष्य में क्या उत्साह है, कितना गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देखिए सेल्फी भी लेना चाह रहे हैं, ग्रुप बनाकर सेल्फी लेने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे। नरेंद्र मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ ये अवसर कहाँ मिल पाता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री के नज़दीक हों। ये हमारे देश का भावी भविष्य है, ये भावी भविष्य अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देखिए अब सुरक्षा घेरे के बीच आते जा रहे हैं, वापस जाने का प्रयत्न कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन बच्चे किस तरह से पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, एक एक कर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते रहिए हमारे साथ।
सच में ऐसा अवसर कहाँ मिल पाता है। ये बच्चे कितने प्रफुल्लित हैं, उतने ही प्रफुल्लित नरेंद्र मोदी भी हैं। देखिए एक एक बच्चा किस तरह से आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी से मिलना चाह रहा है, नज़दीक आना चाह रहा है। क्यों ना आए, ये अवसर हमेशा सभी को कहाँ मिल पाता है।